हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम कॉमन एरर की थर्ड क्लास करेंगे। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपथाइज विद पुअर, ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है या थर्ड में। दोस्तों, इसके अंदर जो एरर है वो है फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये पुअर है, पुअर जो है ना, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हमेशा मतलब द आएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे विद की जगह क्या है? आएगा द आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन्स। इसके अंदर जो एरर है दोस्तों वो है सेकंड वाले में दोस्तों, या हियर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों हियरिंग। दोस्तों यहाँ पे आएगा हियरिंग। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाई द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। वो अपने डॉग की डेथ के ऊपर न्यूज़ सुन के शॉक्ड हो गए, मतलब इसका मतलब ये है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा थर्ड में दोस्तों, गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो ये बाई लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ बाई नहीं आएगा, बाई द न्यूज़ नहीं आता है इसका, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा एट द न्यूज़ ऑफ हिज डॉग, ठीक है। जो सॉक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, ये जो सॉक्ट है ना दोस्तों, सॉक्ट एट आएगा, किसी चीज़ पे सॉक्ट हुआ जाता है, बाई नहीं आता, सॉक्ट द्वारा नहीं आएगा, एट आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन ऑफ द क्वेश्चन ही आस्क मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विद, ठीक है। इसमें कहाँ एरर है दोस्तों? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, ठीक है। तो इसके अंदर जो दोस्तों एरर है वो सेकंड वाले में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। ए की जगह क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा द, ठीक है। द विल बी रिप्लेस, क्यों रिप्लेस होगा? वी आर टेकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर, अगर कोई चीज़ ली जा रही है जैसे डॉक्टर है तो वहाँ पे द लगता है दोस्तों, कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है उस पर द लगता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, वो रहेगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें जो गड़बड़ है दोस्तों वो थर्ड वाले में गड़बड़ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ जो अट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ अट्रैक्ट ना आके दोस्तों यहाँ अट्रैक्ट्स होगा, ठीक है। अट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब जो है ओरिएंटेड कोर्स जो है, इसमें मेन सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, तो सिंगुलर वर्ब के हिसाब से अट्रैक्ट तो प्लुरल होता है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अट्रैक्ट आएगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा थर्ड, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज, ठीक है। इसमें फर्स्ट में है, सेकंड में एरर है, या थर्ड में एरर है, या इसमें मतलब नो एरर है? तो इसमें हमें ढूंढनी है एरर दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम की हुई है ये लूजिंग की करी हुई है, लूजिंग नहीं आके यहाँ पे जो आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आएगा या तो आएगा टू लूज, ठीक है, या खाली इसमें लूज भी होगा तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमें जो इसमें जो एरर है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, लूजिंग की जगह क्या रहना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे रहेगा टू लूज, ठीक है, या फिर ओनली लूज रहेगा, एल ओ एस ई लूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों वो है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर जो दोस्तों गड़बड़ जो है, मोर देन के अंदर गड़बड़ है दोस्तों,
रीजन मैं बताता हूँ आपको गड़बड़ क्यों है। ये सेकंड मतलब जो था इसका थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। एक चीज़ लगाइए दोस्तों, ये मतलब इसने एक्स्ट्रा लिख दिया। एक्सीड का भी मतलब वही होता है, मोर देन का भी मतलब है। अगर खाली अगर ये लगा लीजिए द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 words, इतना भी ठीक रहेगा। या द स्टोरी शुड, ठीक है, नॉट मोर देन 200 words, वो भी ठीक रहेगा। तो इसमें जो एडिशनल जो है वो है मोर देन, तो मोर देन को हम मतलब हटा देंगे इसे, मोर देन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू डाई विद ऑनर वी बेटर देन लिव विद डिसऑनर, ठीक है। तो इसके अंदर जो दोस्तों गलती है, ये पूरा सेंटेंस का सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर इज द मतलब पूरा सेंटेंस इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, इट इज हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो इसके अंदर जो दोस्तों एरर है, ठीक है, वो है सॉरी सेकंड के अंदर दोस्तों। इसमें जो गड़बड़ है, यह सेंटेंस में गड़बड़ है दोस्तों। इस सेंटेंस का आएगा एम लगना है दोस्तों, इज नहीं आएगा एक तो इसमें ना, ठीक है। तो इसमें ना जो है लगना है एम आएगा, ठीक है। हु एम टू ब्लेम जो है वो इसका राइट यूज रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो प्रॉब्लम जो है वो है क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमें मतलब गलती ढूंढनी है दोस्तों, तो इसमें जो गलती है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्या गलती है दोस्तों, वो इसमें जो है लेफ्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ हेड लगेगा। तो इसका जो राइट सेंटेंस रहेगा, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, इसका सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट उसकी अगर बात करें दोस्तों, जॉन वुड हैव टोल्ड मी यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क हिम, ठीक है। तो इसका जो एरर है दोस्तों, इसमें कहीं पे भी कोई एरर नहीं है। दिस सेंटेंस इज करेक्टली, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है ये सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नो एरर। दोस्तों आशा कर रहा हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन होता है, वो ज़रूर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, आपको हमारी कोई भी नई वीडियो अगर हम डालते हैं तो आपके पास उसका अपडेशन आ जाएगा कि हमारे मतलब जो भी वीडियो डलेगी वो आपको अपडेट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, या नो एरर। इसमें मतलब पूरे सेंटेंस में पूछा गया है एरर है कहाँ पे। दोस्तों इसमें जो एरर है वो है पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना यहाँ पे होना चाहिए पेज आफ्टर पेज, ठीक है, इसमें होगा पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। तो इसमें जो एरर है वो इसमें यहाँ पे एरर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों हम, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जाम डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, ठीक है। इन पूरी लाइन में कहाँ पे गड़बड़ है दोस्तों, ये पूछा गया है, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ी होगी दोस्तों, नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा लगेगा बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये नॉट ओनली तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे खाली बट दिया हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा लगना चाहिए बट ऑल्सो, ठीक है। तो जो इसकी एरर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड में है एरर है, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, ठीक है। इसमें जो एरर है, फ्रॉम गोइंग आएगा गो की जगह दोस्तों, ये जो गो है ना इसके जगह आएगा फ्रॉम गोइंग टू सिनेमा,
फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। तो इसमें जो एरर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ मेजोरिटी ऑफ इफ द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्टेट प्रॉपर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों एरर है वो यहाँ पे वुड में है दोस्तों, यहाँ वुड नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा दोस्तों विल आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो विल से जो होगा सेंटेंस हमारा पूरा सही बन जाएगा। यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा, इफ द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्टेट प्रॉपर द स्टेट इट्स विल प्रॉपर। ठीक है, विल इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आशा कर रहा हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।